नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कर्नाटक चुनाव के लिए मंगलवार को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर कहा कि यदि वे सत्ता में आते हैं तो विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल को बैन कर देंगे। कांग्रेस की इस घोषणा से राज्य की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया। वहीं इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के बजरंग दल को बैन करने के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, हम यहां बजरंगियों ने जो गड़बड़ किया है उसको हम लोग ठीक कर दिए हैं, जरूरत पड़ेगी तो छत्तीसगढ़ में भी बैन पर विचार किया जाएगा, बैन पर सोचेंगे। अभी कर्नाटक की समस्या के हिसाब से वहां बैन करने की बात कही गई है। तो इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल साथ होगा, लेकिन रिपोर्ट आप देखिए। कर्नाटक के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बजरंग पुराण का आगाज हो गया है। ये इसलिए क्योंकि कर्नाटक में जारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बजरंग बली से जोड़ दिया। लगे हाथों मुद्दे को छत्तीसगढ़ सरकार ने लपका और भूपेश बघेल ने बयान दे दिया और कहा कि बजरंग बली के नाम पर आप गुंडागर्दी कर रहे हो जो उचित नहीं है। मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर है। अब वो कबीर जी को, गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे। कौन कौन सदी हुए, गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज़ पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बैन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगाया, अरे राम अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था। सीएम भूपेश के इस बयान से विपक्ष में बैठी बीजेपी आग बबूला हो गई और सीएम के इस बयान पर जोरदार विरोध किया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को कहकर और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर करके अपने असली चरित्र और असली चेहरे को उजागर कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में बजरंगियों पर कार्रवाई करने की बात कही और उन्होंने कहा कि हम उनको ठीक कर देंगे। ये इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का और कांग्रेस के ओरिजिनल चेहरे को स्पष्ट करता है। बीजेपी द्वारा बजरंग दल को भगवान बजरंग बली बताए जाने की कांग्रेस ने कड़ी निंदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि बजरंग दल जैसे संगठन की बजरंग बली से तुलना करने के लिए बीजेपी देश की जनता से माफी मांगे। ये हिंदुओं और देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला है। भाजपा द्वारा बजरंग दल को भगवान पवन सुत हनुमान से तुलना किया जाना बेहद ही निंदनीय है। किसी भी संगठन का नाम यदि बजरंग बली के नाम पर रख लिया गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह संगठन भगवान बजरंग बली हो गया। भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल की तुलना पवन सुत हनुमान से करने के लिए देश की जनता से माफी मांगी है। यह देश के हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बजरंग दल आदर्श और भाजपा के राजनीतिक हितों को साधने वाला एक संगठन है। वह संगठन किसी भी कीमत पर बजरंग बली के नाखून के बराबर भी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से उसको लगातार बजरंग बली बता रहे हैं उसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है और मांग करती है कि बजरंग दल जैसे संगठन को भगवान बजरंग बली से तुलना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश की जनता से माफी मांगे। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार वोट लेने की नीति के तहत समय समय पर राम का नाम लेने का दिखावा करती है। अगर भूपेश बघेल सचमुच श्री राम के भक्त हैं तो मंगलवार के दिन बजरंग बली के भक्तों का अपमान करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे की उन्हें निंदा करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में हो रहा है, विभिन्न तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है भूपेश बघेल की सरकार राम भक्त होने का। अगर आप भूपेश बघेल जी राम भक्त है ना, तो जो बजरंग दल के लिए कहा गया है उसके लिए आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आलोचना उनकी करनी चाहिए भाई, अगर आप सच में ये कहना चाहते हैं। और अन्यथा यह बात सबके बीच स्पष्ट है कि किस तरीके से कांग्रेस और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार, कर्नाटक की यह बात, ये सब कुछ तुष्टिकरण की राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है, इस बात को जनता समझती है।
खैर ऐसे में सवाल ये है कि बजरंग पुराण पर छिड़ी सियासत कहाँ रुकेगी, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉच। दल को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासत छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर से कहा कि बजरंगियों को ठीक कर दिया गया है, अगर जरूरत पड़ी तो इसके बैन पर भी विचार किया जाएगा। दरअसल कल कांग्रेस ने कर्नाटक में अपना मैनिफेस्टो जारी किया, घोषणा पत्र जारी किया, और इस घोषणा पत्र जारी करते हुए मैनिफेस्टो में एक वादा किया गया कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है कर्नाटका में तो सबसे पहले बजरंग दल पर बैन लगाया जाएगा, ये बात कही थी। तो अब ये जो पूरी सियासत है बजरंग दल पर बैन लगाने की, यह अब सियासत कर्नाटक से होते हुए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच पर सवाल खड़े किए। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार बजरंग दल पर शुरू हुई सियासत आखिरकार कहां जाके थमेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बजरंग दल और बजरंग बली में जमीन आसमान का अंतर है, बजरंग दल से बजरंग बली का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि बजरंग दल का अपमान करना बजरंग बली का अपमान है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजरंग बली के जयकारे लगाए कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान। तो सियासत है कि अब थमने का नाम नहीं ले रही है। हमारे साथ तमाम मेहमानों का पैनल जल्दी जुड़ेगा और चर्चा की शुरुआत भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये राजनीति हो रही है बजरंग दल को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। निष्कांत पांडे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। अमित श्रीवास्तव जल्दी हमारे साथ होंगे, हमारे साथ मनीष वोरा साहब होंगे जल्दी। लेकिन निष्कांत पांडे साहब, ये जो बजरंग दल को लेकर सियासत हो रही, राजनीति हो रही है, उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो कह रहे हैं हमने बजरंगियों को ठीक कर दिया, सरकार बनेगी तो विचार किया जा सकता है कि बजरंग दल को बैन किया जाए प्रदेश में कि नहीं किया जाए। कोशिश करनी चाहिए भूपेश बघेल जी को, कोशिश जरूर करनी चाहिए बैन करने की, लेकिन मुख्यतः विषय क्या है, अचानक कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी? मतलब आप ये सोचिए घोषणा पत्र में डालने की क्या आवश्यकता थी, ऐसा क्या हुआ कि बजरंग दल को बैन करने के लिए घोषणा पत्र में डाला गया? ठीक है, तुष्टिकरण की राजनीति अलग विषय है, लेकिन मैं बहुत दुख और पीड़ा के साथ और वेदना के साथ बोल रहा हूँ कि पीएफआई के साथ बजरंग दल का कंपेरिजन करना अपने आप में कितना बड़ा मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। आप सोचिए कहाँ एक आतंकवादी संगठन और कहाँ गौ गंगा गीता की बात करने वाले, सेवा सुरक्षा और संस्कृति की बात करने वाले बजरंगी। अब रही बात की इसको घोषणा पत्र में डालने की आवश्यकता क्या थी, आप समझिए इनकी मंशा। तुष्टिकरण से प्रभावित होकर ये कांग्रेस पार्टी, जब ओसामा जी और जाकिर साहब कहते हैं, नहीं भूपेश बघेल कह रहे थे कि कर्नाटका में ऐसा कुछ हुआ होगा इसलिए जरूरत आन पड़ी सरकार को, कांग्रेस पार्टी को वादा करने की कि सरकार बनती है तो बजरंग दल को बैन किया जाएगा। तो अगर हुआ होगा तो बंद कमरे में तो हुआ नहीं होगा, बताना पड़ेगा कि मतलब आप कौन से हिटलर शाही की राज में हो और आप पे हिम्मत है तो बैन करके दिखाओ, आपकी आपकी तो छत्तीसगढ़ में सरकार है ना, बजरंग दल को बैन करके दिखाओ। मैं समझ जाऊंगा 4.5 साल तो हो गया आज तक नहीं कर पाए। और यही नहीं, कांग्रेस के जितने भी धुरंधर है ना, कोशिश करके देख ले, बजरंग दल, आरएसएस, बीएसपी, भाजपा, इनको आप छू नहीं सकते। आप बैन करने की बात करते हैं, आप कल्पना क्या करते हो, आप जब आतंकवादियों के लिए रात में न्यायालय जाते हो, आप समझिए इनका टूल किट का हिस्सा को समझिए। कर्नाटक चुनाव में परिणाम इनके समक्ष आ गया लगता है, इस कारण अचानक जहरीले सांप से होते हुए सीधा बजरंग दल को बैन करने की बात करते हैं। अरे आपको लगता है कि भाजपा में नहीं लड़ पा रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति क्यों कर रहे हो? ठीक है, केरल में गोमाता को काट के खाते हो और छत्तीसगढ़ में गोगंगा। मनीष वोरा साहब, कांग्रेस बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, लेकिन फिलहाल राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं ये जो सियासी घमासान मचा है? बजरंग बाण पर सियासी पुराण छेड़ दी गई है कर्नाटक में भी और छत्तीसगढ़ में भी, और ऐसे में इस सियासी पुराण का कैसे होगा नफा और कैसे होगा नुकसान, ये आपसे जानेंगे। लेकिन सर क्या माना जाए, क्या 2023 के विधानसभा चुनाव तक छत्तीसगढ़ में ये बजरंग दल वाला सियासी मुद्दा चलने वाला है? देखिए जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के अंदर में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों को देखते हुए जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बन गई है, मुझे लगता है लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में धर्म और राजनीति के बीच में
ये एक महीन सी बिहार है उसको इस तरह मिला करके और धर्म का उपयोग पूरी तरीके से राजनीति के लिए करके और अपने सत्ता के सिंहासन में चढ़ने का रास्ता बनाया जाए, तो ये जो स्थितियां बन रही है इसको कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। चाहे इसका प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही हो चाहे कांग्रेस कर रही हो, लेकिन कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार राम के नाम पर केवल राजनीति करती आई है। राम के नाम पर यदि किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस ने किया है और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती है कि कांग्रेस जब जब आती है तब तब देश और प्रदेश में जहां भी कांग्रेस की सरकारें होती हैं वो लगातार चर्चों की संख्या बढ़ जाती है, लगातार वो मुस्लिमों का पक्ष लेने लगती है। तो इस प्रकार की बातें लगातार हो रही है। धर्म और राजनीति के बीच में जैसे घालमेल करने का जो पूरा जीता प्रयास किया जा रहा है, देखिए इसको लेकर के निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये बात सही नहीं है और इसको बचना चाहिए। जब भी हम राजनीति में है तो राजनीतिक रूप से ठीक है, आप धर्म का साथ देने की बात करते हैं, आप धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं और आज जो बात है वजन जल पर बहन की हो रही है वो छत्तीसगढ़ में भी आई, तो मुझे लगता है ये भूपेश बघेल जी की छोटी समझी एक रणनीति के तहत इस प्रकार का बयान दिया गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी और वजन दल और इनसे जुड़े हुए जितने भी संगठन है वो लगातार इस बात को लेकर के सजीव और सड़कों पर उठे, जिसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस इस बात को लेकर उठा सके कि देखिए किस तरीके के दल है ये सीधे तौर पर इस प्रकार की हरकतें करते हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन करना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, इस प्रकार की बातें करके और सीधा सीधा फायदा लेने का प्रयास करना चाह रहे हैं, मुझे ये लगता है प्रमोद मुखिया। तो इससे सियासी नुकसान होने की संभावना है कांग्रेस पार्टी को? जो हिंदुत्व प्रेमी होगा उसी के नाम पर वोट डालेगी जनता और हिंदू बहुतायात में है इस देश के अंदर और नाम जुड़ा है बजरंग दल का भगवान बजरंग बली से, हनुमान जी महाराज से, तो इसलिए वही वही सारी चीजें मैं कह रहा हूँ कि लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी भजन दल पर बैन को लेकर के बात नहीं कर रही है, वो कह रही है कि भजन दल के नाम पर जो है वो बैन की बात कांग्रेस कर रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने बातों को पेश कीजिए। भजन दल के ऊपर बैन लगाने की बात तो की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, अभी तक बैन लगा नहीं है, लेकिन उसको लेकर के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इसके अनुसंधित संगठन और बजरंग दल और उस प्रकार के जितने संगठन है वो जिस प्रकार से जोड़ होकर के अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं उसे लेकर के और इसमें भी भूपेश बघेल जी ने जिस प्रकार से स्टेटमेंट देकर के जो सोचते हैं स्टेटमेंट है वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो मुझे लगता है इन बातों से भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की बातें लगातार हो रही है और जो आप कह रहे थे कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की जो बात की तौर पर हो रही है, जो हिंदू इससे बात करेगा वही देश पर राज करेगा, शायद ये नारा भारतीय जनता पार्टी लगातार देते आई है और वर्तमान जिस बात की आप कह रहे थे कि जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें हिंदू हितों को लेकर के जो बात करा है उसी को जनता वोट दे रही है, तो ये बात कहीं कहीं मुझे लगता है कि बहुत हद तक सच्ची है, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस प्रकार की जो बातें लगातार होती है उससे जनता का एक जो वर्ग है वो इस बात को समझता है कि इन बातों से जनता का कुछ भला नहीं होना है। वर्तमान जो परिस्थितियां पूरे विश्व के अंदर में बनी थी, जिस कोरोना का जो काल आया था, इस दरमियान देश की जनता के साथ जो कल खड़ा था, जिसने देश की जनता का साथ दिया इस कठिन समय में, उनके साथ जनता खड़ी नजर आएगी निश्चित रूप से। ठीक है, लेकिन निशिकांत पांडे साहब, भूपेश बघेल कह रहे थे कि बजरंग बली से नाम कनेक्ट हो गया बजरंग दल का, बजरंग बली जैसा तो ऐसा कुछ है नहीं उनमें, आप किसी बड़े किसी भगवान से किसी दल का कैसे नाम जोड़ सकते हैं? कैसे जोड़ सकते हैं, हम बजरंगी हैं, उनके हमारे आराध्य है बजरंग बली, उनके नाम से हमारे संगठन है, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलते हैं, संस्कार सुरक्षा और सेवा ये तीन माध्यम को लेकर हम चलते हैं, गो गंगा गीता की बात करते हैं। आप ये चीज बताइए, दो चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये मानते नहीं कि धर्मांतरण होता है, लेकिन धर्मांतरण हमारे समाज का एक हिस्सा है, प्रमुख हिस्सा है और हम लगातार उस पर वाद उठा रहे हैं, ये मानते नहीं कि लव जिहाद होता है, लेकिन लगातार आप भी और तमाम मीडिया चैनल इसको हमेशा हर हफ्ते 10 दिन में किसी बिटिया के साथ जाति को दिखाता है, वो हमारे समाज में है, उसके प्रति हम संघर्ष कर रहे हैं और हर बहनों के साथ भजन दल खड़ा हो रहा है। आप एक चीज बताइए, बहुसंख्यक के अधिकार की सुरक्षा करना, संरक्षण करना क्या गलत काम है? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कर्नाटक में ऐसी स्थिति क्या आ गई कि आपको मतलब भजन दल को बैन करने की आवश्यकता पड़ी? ये तुष्टीकरण की राजनीति के साथ साथ दिशा अलग दी जा रही है, उसके बाद बोलेंगे कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, भाजपा वाले धर्म की राजनीति करते हैं, अरे भजन दल को बैन करने की बात आपने कही, सांप और जहरीला सांप की बात आपने कही, आप विकास पे चले जाते हैं, आप भ्रष्टाचार पे चले जाते हैं, आप और तमाम रीति नीति पे चले जाते हैं, आपके पास सारे ऑप्शन थे, लेकिन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की दिखती हुई जीत को ये बचा नहीं पा रहे और उसके तहत ये
नया प्रोपोगेंडा तैयार कर रहे हैं कि लड़ाई जो है हिंदू मुस्लिम हो, जबकि बजरंग दल का वहां भूपेश बघेल कह रहे थे कि कर्नाटक में ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी ऐसा ऐसी नौबत आन पड़ी है कि कांग्रेस तो अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि देखिए हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। बंद कमरे में नहीं हुआ है, एक्चुअली ये भाई को हमने जो बैन किया है डेढ़ साल पहले, माननीय गृह मंत्रालय ने जो बैन किया है उसको लेके तुष्टीकरण की ओर जा रहे हैं। देखिए उन्होंने आपको बैन किया तो हमने इनको बैन कर दिया, ये मंत्रा के साथ अगर ये जा रहे हैं तो इतना जहरीला मंत्रा इनको मुबारक। लेकिन कर्नाटक की जनता विकास को देख रही है, नरेंद्र मोदी जी के रीति नीति को देख रही है और पूरा देश उनके साथ आगे चल रहा है, तो कर्नाटक कैसे पीछे हो सकता है? कर्नाटक में भी जनता मन बना चुकी है, इसी कारण अनावश्यक बात अनर्गल बात करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, देश की जनता और खासकर कर्नाटक की जनता होशियार है और इनके ट्रैक में नहीं फंसने वाली। जी ठीक है, लेकिन अगर आने वाले समय में क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी अगर अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की अगर वादे को करती है तो बीजेपी की क्या तैयारी है? हिम्मत है तो करके दिखाएं, अभी सरकार तो है नहीं जी, अभी कौन रोक लेगा इनको? नहीं अभी तो सरकार है ना सर, उनकी चुनौती देता हूँ, अभी करके दिखा दें। भूपेश बघेल जी में इतना हिम्मत है तो, भूपेश बघेल जी के पिताजी राम के प्रति कितने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अभी हाँ। राजस्थान का एक मंत्री प्रभु श्री राम के बारे में कितना गलत मर्यादित बात किया, हाँ। इनका चाल चलन और चेहरा आपको देखने लायक है। देखिए कांग्रेस अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है अमित श्रीवास्तव जी। सीधा सीधा चुनौती दे रहे हैं निशिकांत पांडे, अगर दम है तो आपकी तो सरकार है, बैन करके दिखाई छत्तीसगढ़ में कितना दम है बजरंग दल को। देखिए हाँ, अगर वो समय भी आएगा तो वो भी करके दिखाएंगे, आप चिंता मत करिए। मतलब प्लानिंग है बैन करने की जी, बजरंग दल को बैन करने की प्लानिंग है? देखिए प्लानिंग यानी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आज आपने कहा हाँ, कि वो परिप्रेक्ष्य के कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में कहा गया होगा हाँ, और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं हाँ, कि मेरी घोर आपत्ति है आज देश के प्रधानमंत्री जो हम सबके प्रधानमंत्री हैं हाँ, और लेकिन जिस प्रकार से बजरंग दल को उन्होंने बजरंगबली से जोड़ा हाँ, मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता के साथ मैं उनसे कहता हूं कि देश के हमारे जैसे लाखों करोड़ों हनुमान भक्तों से और इस देश के लोगों से तत्काल उन्हें माफी मांगनी चाहिए हाँ। देखिए किसी भी दल को, बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की निंदा करनी चाहिए भूपेश बघेल को पब्लिक डोमेन में आके, और कहे मीडिया के सामने अगर बजरंग बली से प्यार करते हैं, प्रभु श्री राम को इष्ट मानते हैं, तो कहें कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की निंदा करता हूं जो उन्होंने कहा कल कर्नाटक में। देखिए वो झूठ बोल रहा है बड़े सलीके से, उसके किरदार पे किसी को विश्वास नहीं। कौन झूठ बोल रहा है? प्रदेश एतवार खड़गे झूठ बोल रहे हैं क्या? मुझे एक चीज बताइए, अमित श्रीवास्तव झूठ कौन बोल रहा है? खड़गे जी नहीं, खड़गे जी क्यों झूठ बोलेंगे? देखिए देश के प्रधानमंत्री आज एक दल के नाम से हमारे राज्य, मैं जिनकी सबसे ज्यादा पूजा करता हूँ, हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था पे उन्होंने और विश्वास पे जो चोट किया है, एक दल को हमारे राज्य से जोड़ दिया और जिस प्रकार से दूरीकरण कर रहे हैं, जिस प्रकार से वोट बैंक के समय उन्हें हनुमान जी की याद आ रही है हाँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री जी को तत्काल इस हनुमान हमारे जैसे करोड़ों हनुमान भक्तों से माफी मांगनी चाहिए। हनुमान भक्त से माफी मांगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को निशिकांत पांडे, क्योंकि आप किसी भी राजनीतिक दल से बजरंग बली का नाम नहीं जोड़ सकते। बजरंग बली की अपनी अलग गरिमा है, अलग महिमा है, पूरा देश पूरा संसार उनको पूछता है। पूर्व में भी शिवम जी इनके प्रदेश एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हनुमान जी की जाति का प्रश्न उठाया था, तब भी हमने इतना ही विरोध किया था। बताइए निशिकांत दुबे, निशिकांत पांडे, पांडे साहब मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो उठाइए पांडे जी का। हाँ पांडे साहब। अमित जी मैं आपसे दो सवाल करता हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं लेकिन जरूर बताएंगे कि कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को बैन करने की आवश्यकता क्या पड़ी, ऐसी घोषणा पत्र लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? दूसरी बात, अगर आपकी भावना सिर्फ इसलिए आहत हुई है कि बजरंग दल जो बजरंग जी के सेवा भावना और संकल्प लेके आगे बढ़ता है, उसके नारे लगाता है, उसकी पूजा करता है, तो उस पर आपकी ये मतलब वो भावना आहत हो गई? सीएम भूपेश बघेल के बाप ने सरे आम प्रभु श्री राम के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की थी, उस पर शायद आपकी भावना आहत नहीं होगी क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के मुखिया के पिता थे। कांग्रेस तो करेगी, देखिए साहब हमने हमको राम इतने प्यारे हैं कि हमने राम पदगमन बना डाला, गाली दे रहे हैं वो राम पदगमन बना डाला कांग्रेस ने 5 साल की सरकार में, पहले टर्म की सरकार में 15 साल सरकार रही नमन सिंह की, कुछ नहीं कर पाए। 10 सेकंड सिर्फ दीजिए, मुझे अमित जी से सीधा संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं हाँ। कि अमित जी पीएफआई से बजरंग दल की तुलना वाजिब है। दूसरा सवाल,
तीसरा अभी राजस्थान के मंत्री ने प्रभु श्रीराम के प्रति अमर्यादित टिप्पणी की है, वो भी सही है क्या? इन सब बातों का जवाब दीजिएगा। मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? मनीष निष्कांत पांडे साहब, निष्कांत पांडे साहब, कांग्रेस कह रही है कि 15 साल में बीजेपी राम पथगमन नहीं बनवा पाई, हमने 5 साल की सरकार में बना के दिखा दिया छत्तीसगढ़ में। अब राम किसके प्यारे हैं, किसको राम प्यारे हैं, कांग्रेस को या बीजेपी को? जवाब देता हूँ, बहुत तार्किक रूप से देता हूँ। कि जब गोली खाने की बात आई तो हम, जेल जाने की बात आई तो हम, 15 साल 20 साल संघर्ष करने की बात आई तो हम, और राम वन गमन पथ बना के ये राम के भक्त बनते हैं, काल्पनिक राम। गोली खाने कौन गया था? रमन सिंह गए थे क्या? कौन गया था? हमारे पिताजी गए थे, हमारे पिताजी गए थे, महीना जेल में बिताए पिताजी ने, पता करो पहले के कारण। बाबरी विध्वंस के समय वहाँ गोली खाने वाली बात जो थी ना, श्री पति नारायण पांडे, स्वर्गीय पति नारायण पांडे की बात करो जाके आप, पता तो करो कि कैसे आखिर आज इतना बड़ा राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का स्वरूप बन रहा है, कितने कार सेवकों ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी प्रभु श्री राम के चरणों में, और ये भूपेश बघेल आगे बोले कि राम वंदन पथ हम बना रहे इसलिए राम के सच्चे भक्त हम हैं और गोली खाने वाले कालनेमी है। अरे गोली खाने वाले राम भक्त है, आप लोग कालनेमी है, ये बात है। ठीक है निशिकांत जी, आपकी भावनाओं का सम्मान है इंडिया वॉइस पर, मनीष जवाब दीजिए। अमित श्रीवास्तव, लगातार मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपने ठीक कहा, कौशल्या माता जी का मंदिर का जीर्णोद्धार हमने किया, राम पथ गमन हम बना रहे हैं, और लगातार इनको हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की याद तब आती है जब या तो इन्हें नोट चाहिए रहता है या वोट चाहिए रहता है, तो ये अब नहीं चलेगा। और जिस प्रकार से झूठे उत्साह और खोखले भाषणों से देश को नहीं, अब समाधान की आवश्यकता है। आप ज्वलंत मुद्दों पर बात करिए, देश पे जो महंगाई बढ़ रही है आप उस पर बात करिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हो रहे हैं, आप मुद्दों को बटाने का आप काम करते हैं, लेकिन ये देश अब नहीं कहेगा साहब। अब देश कहता है कि लोगों को रोजगार जो नहीं मिल रहा है वो रोजगार के आप बात करके चुनाव लड़िए ना, जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र में जनता फैसला करेगी। लेकिन आप जिस प्रकार से मुद्दों को बटाना काम करते हैं और आप जिस प्रकार से इस देश को चलाना चाह रहे हैं, ये देश वैसा नहीं है साहब। ये देश का लंबा इतिहास है, यहाँ के लोग गंगा जमुना सभ्यता से रहने वाले लोग हैं, वासुदेव कुटुंब को मानने वाले हम लोग हैं। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही लड़ना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से लोगों को भड़काना, उनकी भावनाओं का व्यापार जो बीजेपी करती है, तो तत्काल बंद करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अमित श्रीवास्तव बीजेपी कह रही है, बीजेपी एक सेकंड में आ रहा हूँ निशिकांत पांडे, एक मिनट दे दीजिए मुझे। अमित श्रीवास्तव बीजेपी कह रही है, देखिए बजरंग दल वाले कार्यकर्ता जगह जगह जाकर प्रभु श्री राम की पाठ करते हैं, हनुमान जयंती का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं जगह जगह जाके, और हनुमान जी का प्रचार प्रसार करते हैं, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको बैन करना, यानी कि हनुमान चालीसा की पूजा को बैन करने की बात कहती है कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी। देखिए कुछ वीडियोस अभी देश के कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों के किसी नेता ने डाला है, और मुझे नाम तो मैं स्मरण है लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने एक ट्विटर में डाला है कि किस प्रकार से मोबाइल से देखते हनुमान चालीसा पढ़ने वाले हनुमान भक्त नहीं हो सकते साहब। आप मान लीजिए, हम तो सुबह शाम हनुमान भक्ति करने वाले लोग हैं, मैं हमारे आराध्य को आप राजनीति से दूर रखिए साहब। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ कि बजरंग पता नहीं क्या क्या बैन करना पड़ेगा इस देश में, लेकिन मनीष वोरा साहब फिर तो क्या क्या बैन करना पड़ेगा देश में, क्योंकि आजकल तो नेता पेपर देख के भाषण देते हैं, अखबार पढ़ के और पन्ना साथ में रख के पोडियम पर भाषण देते हैं, फिर तो तमाम राजनीतिक दलों को बैन कर दिया जाए। इसके साथ साथ जब बात आती है कि बजरंग दल वाले देखिए वहां कोई कार्यकर्ता ये करता हुआ पकड़ा गया, गुंडे करता हुआ, ऐसे तो कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी में, सपा बसपा कौन सा दल नहीं है जिसमें अपराधी प्रवृत्ति के नेता ना रहते हो, हर दल को बैन कर दीजिए फिर तो। सामाजिक घटना यहाँ पर घटित हुई है, उनके साथ में जुड़ा व्यक्ति और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सभी प्रकार की हरकतें, गाली गलौज सब कुछ है, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी है। तो ये कतई कहा जा रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या बजरंग दल या कांग्रेस, कोई भी दल का व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करे,
वो कतई जायज नहीं है। इस प्रकार की जो हरकतें होती है उसकी हमेशा निंदा की जानी चाहिए। हर बार राजनीति के जो घाटन करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिस बात को लेकर कांग्रेस कह रही थी, इस बात को अभी अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि हमारे आराध्य को राजनीति में मन गती थी, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी आप पार्टी भी वही कर रही है, आप भी वही बात कर रहे हैं कि हमने राम अनुगमन पथ बनाया, हमने कौशल्या माता का मंदिर बनाया। ये मंदिर है राम अनुगमन पथ, आपको आज को याद आया, आपकी तो पूरे देश और प्रदेश में पिछले 5-70 वर्षों की सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं किया, तब ये राम अनुगमन पथ किया। लेकिन निशिकांत पांडे साहब कुछ कह रहे थे अभी, मैंने उनको कहा था एक मिनट का आपको वक्त दूंगा। निशिकांत पांडे जल्दी से। मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से अमित श्रीवास्तव जी से निवेदन करता हूँ, आपसे भी निवेदन करता हूँ कि ये जो भी विषय पे महंगाई भ्रष्टाचार जिस पे चर्चा करना चाहते हैं उसका आधा घंटा का समय लीजिए। ये बोलते मुद्दे से भटकाते हैं हम ना, मैं इनका सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ। आप एक डिबेट रखिए, ये जब धर्म को ला रहे बीच में, बजरंग दल को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी, अपनी हार देख के बजरंग दल को बीच में ला रहे की। जब मुद्दे देश में गूंजते हैं तो उस पर डिबेट करनी पड़ती है। नहीं जब, तो ये जब मुद्दे देश में गूंजते हैं निशिकांत पांडे साहब, तो उसमें डिबेट करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया आपका निशिकांत जी, ठीक है, आपकी बात का ख्याल रखा जाएगा। मनीष बोरज जी आपका शुक्रिया, अमित श्रीवास्तव साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।